नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में। आप लोगों को बता दें कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। तमाम बच्चों के एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर में भी होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अपडेट नोटिफिकेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि जहाँ पर आपको हम एसएससी जीडी से जुड़ी थोड़ी बहुत जानकारी बताने वाले हैं। फिलहाल कट ऑफ पर हम वीडियोज़ बनाएंगे, बट कट ऑफ की वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों आपको बता दें कि 16 तारीख से आप लोगों को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान के हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इस बार पोस्ट 25,000 है, बट इस बार बेनिफिट्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इस बार आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पर होगा, ये एग्ज़ाम आपका सांबा में, जम्मू में, और आपका एग्ज़ाम होगा श्रीनगर में। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि जे एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज होगा, डेली जे क्वेश्चन पेपर चेंज होगा। पहली शिफ्ट रहेगी सुबह, दूसरी दोपहर को, तीसरी शाम को, तीन शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। हर शिफ्ट के क्वेश्चन चेंज होंगे, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। इसमें जीके जो है वो ऑल इंडिया लेवल की आएगी दोस्तों, इसलिए आप लोगों को जीके के लेटर्स, जीके के 25 क्वेश्चन, बाकी आपको डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा। आपको बता दें कि इसमें 25 नंबर आपके जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आएंगे, जिसमें आप लोग अच्छे रीजनिंग के अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं। 25 रहेंगे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान से करना है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। बाकी आप लोगों को बता दें कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 25 आएंगे और हिंदी और इंग्लिश के भी 25 आएंगे। चाहे आप इंग्लिश में करें, चाहे आप लोग हिंदी में करें, हिंदी में ज़्यादा चांस रहेंगे आप लोग करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मुहावरे, बिलोंगशब्द, पर्यायवाची शब्द वगैरह आते हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में आप लोग कर सकते हैं, उसमें चेंज करने का ऑप्शन होगा। रनिंग की बात नहीं करेंगे इस बात, क्योंकि इस समय जो फोकस है आप लोगों के रिटर्न पर होना चाहिए। आप लोगों को बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, काफ़ी बच्चों के डाउट्स हैं। आपको बता दें जिसका एग्ज़ाम 16 या 17 को है, उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे एक दो दिन में। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम को 5-7 दिन रहेंगे, ऐसे ऐसे आप लोगों के जो रोल नंबर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें पूरी डिटेल दी होगी, उसमें पूरी इंस्ट्रक्शन दी होगी, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे कि क्या क्या साथ में लेके जाना है। आधार कार्ड वगैरह अपने फ़ोटो लेके ही जाना है, आप लोगों को पैन की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। इसलिए आपको बता दें कि हमारे चैनल की तरफ से दोबारा एसएससी के तमाम एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट। जो कंप्यूटर पर पेपर होने वाला है, जो बच्चा इसमें पास हो जाएगा वो उसे रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि कम से कम 5-6 गुना बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो पहला मेरिट होगा वो डोन जाएगा, उसके बाद रनिंग के बाद एक और मेरिट जाएगी। मेरिट पर डिटेल वीडियो बनाएंगे ज़रूर हम। आपको बता दें कि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल वालों का अलग से जाएगा, और AWS का, लड़कियों का मेरिट इसमें अलग से जाता है। आप लोग पेपर की तैयारी करें। जेके स्टूडेंट पॉइंट ध्यान रखें, जेके स्टूडेंट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में विजिट करके हमारी वीडियोस देख लीजिएगा। उस वीडियोस में हमने कुछ वीडियोस क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कम से कम 33 से 34 सेट हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं एसएससी जीडी सैंपल पेपर रोहित, ऐसे लिखेंगे तो आप लोगों को वो क्वेश्चन दिख जाएंगे। उन क्वेश्चंस में जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो तो क्वेश्चन नहीं आने वाले, फिलहाल उसमें जो ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स दे सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकता है, इसलिए दोस्तों, नहीं तो आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए यूट्यूब पर जाना है, ऐसे जे फोटो, मेरे फोटो के पास जो सर्च वाला निशान है, इधर आप लोगों को सर्च करना है जेके स्टूडेंट पॉइंट। जैसे जेके स्टूडेंट पॉइंट सर्च करोगे तो ऐसे आएगा, मेरे फेस पर क्लिक करना, फेस पर क्लिक करने के इस तरह का इंटरफेस आएगा, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरह का देखने को मिल जाएगा। इसमें जेकेपी, जेकेएसएसबी, एसएससी, जीडी सैंपल पेपर है। लुभ गए आपको, फिलहाल लुभ गए इट मीन्स दिख गए, क्योंकि ऐसे फनी टाइम बोलता हूँ तो मुँह पर आ जाता है। आप लोगों को लुभ रहा होगा और इस तरह से आपको सेट लुभ जाएंगे। आप लोगों को बता दें कि इसमें मजाक की बात नहीं है, सीरियस आप लोगों की फ्यूचर का सवाल है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, एनवायरनमेंट डे, 5 सितंबर, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये 10th लेवल जीडी लेवल एग्ज़ाम है, कोई हाई फाई एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए आप लोग कोशिश करें पढ़ने की। इसमें देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड्स भी हैं। अगर आप लोगों ने ये सेट पढ़ लेंगे तो आने वाले समय में पुलिस के में भी काम आ सकते हैं। उधर से SI की पोस्ट आई है, जल्द ही कांस्टेबल की पोस्ट आएगी दोस्तों। इन 2-4 साल में यही करना है कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेनी है। कोई भी मिले, SSC जीडी मिले, आर्मी मिले, पुलिस मिले, कोई भी छुट्टी मिले, बड़ी मिले, बट
गवर्नमेंट उसके पीछे होना चाहिए, तभी आप लोगों को आने वाले समय में बेनिफिट्स मिल सकता है। अदरवाइज दोस्तों खज्जल खराबी बहुत है जम्मू कश्मीर में, आप लोगों को इसके बारे में पता है। और लोग जो हैं तो प्रेफरेंस ही आजकल जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो गवर्नमेंट जॉब वाले को दे रहे हैं, चाहे उसकी जॉब छोटी हो या बड़ी हो। बट इसलिए आप लोगों को जॉब ऑपरेटर बनने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आप लोगों को स्ट्रेटजी प्लान आइडिया टेक्निक के हिसाब से ही काम लेना पड़ेगा। हमारे चैनल में हमेशा बच्चों को मोटिवेट गाइड किया जाएगा, और आने वाले समय में काफ़ी बच्चों की जॉब लगने वाली है। किस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। फिर भी इस बार जो एसएससी का मेरिट है वो ज़्यादा नहीं जाने वाला, डिपेंड करेगा नेगेटिव मार्किंग पर। सबसे कम मेरिट ओबीसी का जाता है, उसके बाद एसटी कैटेगरी के तमाम बच्चों का जाता है, और उसके बाद एससी जनरल वालों का मेरिट जाता है, ईडब्ल्यूएस का भी कम जाता है। और इस बार मेरिट थोड़ा ढूंढ लेने की उम्मीद है, इसका सबसे बड़ा कारण होगा नेगेटिव मार्किंग और कंप्यूटर, क्योंकि तमाम बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर जा रहे हैं, कंप्यूटर कई बार वर्क नहीं करता प्रॉपर तरीके से आप लोग लैंग्वेज नहीं चेंज कर पाते, कई बार आगे पीछे के कारण भी बच्चे फेल होते हैं।